इस वक्त मैं मौजूद हूँ शामली जनपद के गांव सिंबालका में, जहां पर हम स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है उसका जायज़ा लेने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का एक सपना है कि बच्चे शिक्षित हो, पढ़े लिखे और अपना भविष्य अच्छे से बनाए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री जो हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी मुहिम भी चली है कि आओ स्कूल चले हम, जिसके लिए शासन प्रशासन द्वारा बच्चों के नामांकन के लिए काफ़ी प्रयास भी कुछ दिन पहले किए गए थे, काफ़ी बच्चों के नामांकन स्कूल में कराए भी गए हैं। लेकिन एक छोटी समस्या ये आ गई है बच्चों के सामने कि पढ़ने के लिए उनके पास किताबें अब तक शासन प्रशासन की ओर से नहीं पहुँची हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, 5th क्लास है जो बच्चे आज स्टडी कर रहे हैं, एक ही किताब है इनके पास, जिसमें बच्चे इकट्ठे होकर के एक ही किताब से लगातार अपनी जो है पढ़ाई कर रहे हैं। किताबों का समय से न पहुंचना बच्चों के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर रहा है। बेटा ये बताइए आप कौन सी क्लास में हैं? 5th। अच्छा, कौन सी किताब नहीं है आपके पास? सर इंग्लिश की। और कौन सी नहीं है? और पर्यावरण की। कौन कौन सी किताबें नहीं है वो बताइए। कल्लब, पर्यावरण, इंग्लिश, इंग्लिश सेकंड और संस्कृत। ये बुक्स आपके पास नहीं है? नो सर। तो फिर पढ़ कैसे रहे हो बेटा? सर हम इनके से पढ़ रहे हैं। एक दूसरे से शेयर कर रहे हो? यस सर। और टीचर मैम कैसे पढ़ाती हैं? मैम ठीक पढ़ाती हैं, मैम भी वो बोर्ड से पढ़ाती है ना वो? यस सर। अब सब समझ में आता है? यस सर। अच्छा ये बताओ, यहाँ तो आप शेयर कर लेते हो किताबें, फिर घर पे जाके कैसे पढ़ते हो? सर हम कॉपी पे लिख के ले जाते हैं, ना तो कॉपी में से ही पढ़ते हैं। अच्छी बात है। चलिए और बच्चे हैं, थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? सूरज। कौन सी क्लास में हो? 5th। कौन सी किताबें नहीं है आपके पास? संस्कृत की। और अच्छा ये बताओ कौन सी है आपके पास, ये बताओ। पर्यावरण की, फुलवारी, वाटिका, बस ये किताबें हैं, बाकी नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अनमोल। मैं 10-5 में पढ़ता हूँ। अच्छा ये बताओ कौन कौन सी किताबें आपके पास? वाटिका, हिंदी, गणित, संस्कृत और नहीं है जी। और नहीं है। अच्छा चलिए और बच्चों से भी बात कर लेते हैं, कुछ और गुड़िया हमारे पास हैं उनसे भी सीधी बात करेंगे, क्योंकि एक किताब आप देखें, ये एक बुक रखी है, इंग्लिश की ये बुक है, जिसके अकॉर्डिंग ये 3-4 बच्चियां एक साथ बैठ करके पढ़ रही हैं। मैडम जो हैं आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं, बोर्ड पे भी दिखाई, इंग्लिश का जो पीरियड है वो चल रहा है और जो यहाँ की क्लास टीचर हैं वो बोर्ड पर जो है इंग्लिश लिख करके बच्चों को सिखा रही है, क्योंकि यहाँ पे किताबें अवेलेबल नहीं है, ताकि बोर्ड से ये फ़ायदा हो सके जितने भी बच्चे क्लास में हैं सब एक साथ पढ़ सके, एक साथ समझ सके। गुड़िया क्या नाम है आपका? नरगिस। नरगिस कौन सी क्लास में हो? 5th में। बेटा एक ही किताब से पढ़ रहे हो आप लोग, ऐसा क्यों? हमारे पास किताब नहीं है। किताब नहीं है, कौन कौन सी किताब नहीं है आपके पास? संस्कृत, वाटिका और फुलवारी बस। अच्छा आपका क्या नाम है बेटा? समीक्षा जी। समीक्षा। अच्छा कौन सी क्लास में आप? 5th। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी? हम जी इनकी हेल्प ले ले। इनकी हेल्प लेते हो, और मैडम बोर्ड पे पढ़ाती हैं आपको? हाँ जी। कैसा लगता है? अच्छा लगा जी। अच्छा गुड़िया आपका नाम? प्रियांशी। कौन सी क्लास में हो? 5th। ये इंग्लिश की बुक आप सभी इकट्ठे पढ़ रहे हैं बैठ करके? हाँ। और बुक्स नहीं है आपके पास? नहीं जी। कौन कौन सी किताब नहीं है आपके पास? मैथ जी और वाटिका और प्रकृति। देखिए ये हमारे पास बच्चे थे, अभी हम जो यहाँ की शिक्षिका हैं उनसे सीधी बात करेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश की जो टीचर हैं वो अभी बोर्ड पर पढ़ा रही थी, आपने देखा भी है। मैडम अभी मैंने देखा था आप यहाँ पे क्लास बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जा रहा है, तो बोर्ड की हेल्प ली जा रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो किस तरह से समस्या आ रही है आप लोगों के सामने? सर समस्या यही है कि सभी बच्चों के पास बुक्स नहीं है, तो इसलिए जैसे इंग्लिश का ये लेसन पढ़ाना था द क्लेवर फार्मर, तो मैंने क्या किया एक पैराग्राफ बोर्ड पे लिख दिया और पहले मैंने खुद पढ़ाया बच्चों को, उसके बाद मैं एक एक बच्चे को यहाँ पे बुलाऊंगी और यहीं पे मैं देख लूँगी, क्योंकि घर पे मैं इनको इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि आधे बच्चे बोल देंगे कि हमारे पास बुक नहीं है तो करके कैसे लाएंगे, तो मैं यहीं के बच्चों से पढ़वा के देख लेती हूँ। जैसे मैथ, अभी मैंने लंच के पहले मैथ कराया, उसमें मैंने लघुत्तम पढ़ाया बच्चों को, तो भी मैंने क्या किया कि सब कुछ मुझे बोर्ड पर उतारना पड़ा,
क्वेश्चन अब मैं जैसे होमवर्क दूंगी तो भी मुझे बोर्ड पे उतारने पड़ेंगे, चाह के भी मैं बुक में से काम दे ही नहीं सकती क्योंकि बच्चों के पास, आधे बच्चों के पास भी बुक नहीं है। अच्छा ये बताइए कि मैथ भी आप पढ़ रही हैं, इंग्लिश भी आप पढ़ रही हैं, किस किस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे पढ़ा रही हैं? सर सभी सब्जेक्ट पढ़ाने हैं क्योंकि अब हमने क्या किया है, उपचारात्मक शिक्षण भी चल रहा है जैसे, तो कक्षा जैसे 5 है तो डिवाइड कर लिया है, जो मतलब थोड़े बच्चे हैं जो बिल्कुल भी अक्षरों की पहचान भी नहीं कर सकते, उसमें दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चे भट्टे पे गए हुए थे, वो अभी के आए हैं, तो उनको हमने अलग ले लिया है ताकि इन बच्चों का नुकसान ना हो। ये बच्चे थोड़े ठीक है जो पढ़ सकते हैं, तो इनको मैं अलग लेके चल रही हूँ, और जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो बिल्कुल जीरो लेवल के हैं, जिनको हमें शुरू ही करना है, उनको मैम लेके अलग चल रही है। तो इसीलिए मुझे सभी सब्जेक्ट इनको कराने। कितने बच्चे हैं? 53 बच्चे हैं। ये बच्चे नहीं नहीं टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल पूरे स्कूल में 371। एक बार उसको साइलेंट कर दीजिए। अभी आप बता रहे 300 के समथिंग बच्चे हैं, तो टीचर्स कितने हैं यहाँ पे? टीचर्स तो सर यहाँ टोटल 20 हैं, 22 मतलब शिक्षा मित्रों सहित 22 हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई किसी को, जो टीचर्स हैं उनकी वजह से किसी बच्चे को वैसे पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है? नहीं सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मतलब अच्छा ही चल रहा है। किताबों की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? बस यही है कि टाइम पे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है बच्चों का। देखो अब ये पढ़ के चले जाएंगे, फिर ये किताबें आ रही, इनके लिए भी कोई वैल्यू नहीं है ना हमारे लिए कोई वैल्यू है। ये केवल 5th क्लास की ऐसी प्रॉब्लम है या सभी? ये पूरे स्कूल में सभी 1-8 तक ही प्रॉब्लम है, किताबें सबकी एक साथ ही आती है तो सभी को यही दिक्कत है। अब मैं मौजूद हूँ सिम्बालिका जूनियर हाई स्कूल की कक्षा 8 में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, अभी ये एक ही बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चों का भविष्य भी है जिसको लेकर के अब काफ़ी चिंताएं सामने आ रही हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ना है, लिखना है, भविष्य में कुछ बनना भी है। तो 8वीं क्लास के बच्चे हैं, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। गुड़िया क्या नाम है आपका? मेरा नाम तानिया है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। हमारे पास बुकें नहीं है, हम 2-3 लड़का एक बुक से ही पढ़ती है। हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, हमारी सरकार से विनती है कि हमें जल्दी से बुक दिलाए। अच्छा बनना क्या चाहती हैं आप पढ़ के? जी हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, किताबें नहीं हैं, डॉक्टर बन पाओगे आप ऐसे? ऐसे तो नहीं बन पाएंगे, तो सपना अधूरा रह सकता है। हाँ जी ठीक है, सरकार को इनकी जो सपने की है वो चिंता करनी चाहिए। कुछ और गुड़िया हमारे पास है। गुड़िया आपका क्या नाम है? पूर्वी जी। मेरा नाम पूर्वी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं हम किताब के बिना जी परेशान हो रहे हैं जी। मैम जो भी काम देती है ब्लैक बोर्ड पे देती है, पर हमारे पे किताब नहीं है। वो काम हो पाता है आपका सही से? हाँ जी। अच्छा आप क्या बनना चाहती हैं? मैम डॉक्टर सर। तुम भी डॉक्टर बनना चाहती हो, ठीक है। गुड़िया आपका क्या नाम है? राधिका, कक्षा 8। हाँ जी। तो ये बताइए जो किताबें नहीं हैं, अगर हैं तो कौन सी किताबें आपके पास हैं, अगर नहीं है तो वो कौन सी नहीं है? हमारे पास बहुत कम बुक है, हम सारी लड़कियां शेयर करती है एक दूसरे से, और मैम भी बोर्ड पे समझाती है, पर हम बहुत परेशान होते हैं, हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाता। कारण क्या है इसका? बुक नहीं है हमारे पास। बुक नहीं है? हाँ जी। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस में जाना चाहती हो? हाँ जी। तो जैसे बुक्स नहीं है, अभी पढ़ाई आपकी अधूरी है, तो क्या पुलिस में आपका जो सपना पूरा हो पाएगा? नहीं जी। सरकार से क्या मांग करती हैं? कि बुक जल्दी से जल्दी भिजवाए। धन्यवाद। ठीक है, और भी बच्चे हैं हमारे पास। गुड़िया आपका क्या नाम है? अनीशा। कौन सी क्लास में आप? 8वीं क्लास में। आप क्या बनना चाहती हैं? हम डॉक्टर नहीं। डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो पढ़ाई हो रही है डॉक्टर के हिसाब से? हाँ जी। किताबें हैं पूरी? नहीं जी। तो फिर बेटा कैसे डॉक्टर बनोगे? हम सरकार से वो करते हैं जी, हमारे लिए जल्दी से जल्दी किताब भिजवा दिया ताकि आप डॉक्टर बन सके। हाँ जी। अच्छी बात है। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी सुहैली। कौन सी क्लास में आप? कक्षा 8 में। अच्छा आप क्या बनना चाहते हैं? पुलिस वाला जी। पुलिस में जाना चाहते हैं, तो जैसे आपके पास किताबें नहीं है, पढ़ाई अधूरी है अभी। हाँ जी। तो आपको लगता है कि आपका पुलिस का सपना पूरा हो पाएगा? नहीं जी। नहीं जी। तो क्या अपेक्षाएं हैं आपको सरकार से? हाँ जी किताब की मांग है। किताब की मांग? हाँ जी। चलिए अच्छी बात है, सरकार को सोचना चाहिए, बच्चों का भविष्य की बात है। मैडम आप यहाँ टीचर हैं जी। आपके मैंने अभी बच्चों से बात की, काफ़ी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, काफ़ी पुलिस में जाना चाहते हैं, तो ये हमारे यहाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी, और स्कूल में आने वाले बच्चे हैं, और हमारी सरकार से ये विनती है कि समय से इनको किताबें दी जाए। किताबों की सबसे बड़ी समस्या जी, सबसे बड़ी समस्या। ठीक है मैडम, आप कुछ बताएंगे बच्चों के बारे में, जैसे कि आप यहाँ टीचर हैं, इनके ड्रीम्स अधूरे रह गए हैं? हाँ ड्रीम्स तो अधूरे रह ही जाएंगे बच्चों के, क्योंकि एक बेस होता है किताब, और वो हमारे बच्चों के पास किताबें हैं नहीं,
तो मैं सरकार से अपील करती हूँ कि वो समय से किताब भिजवाएँ, क्योंकि किताब अगर नहीं होगी तो बच्चे घर में भी नहीं पढ़, हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई होमवर्क करके लाओ आप, तो बच्चों को पढ़ना भी नहीं आने का। और मेरी बस यही है, बच्चों का भी है कि सबसे पहले हमें किताब मिले और उसके बाद, वैसे तो हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते ही हैं लेकिन जब तक बच्चे खुद ना पढ़ें। अब एक किताब है ये देखिए आप क्लास में, छः बच्चों के पास ये एक किताब है, वो भी हम जो स्टूडेंट यहाँ से चले गए आठवीं क्लास पास करके, तो उन्हीं से ली थी हमने ये किताब। और उसमें भी कुछ पेज बीच में से है नहीं, गायब हैं, बच्चे हैं फाड़ देते हैं, तो अब वो वाला काम हम किस तरीके से करवाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस हमारी यही है कि किताब नहीं है, अगर किताबें होंगी तो शायद हमारे बच्चे कुछ और अच्छा पढ़ पाएँ। बहुत अच्छा हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ जो हैं यहाँ की जो वाइस प्रिंसिपल हैं उनसे सीधी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकी देखरेख में स्कूल चलता है तो जिम्मेदारी भी बनती है प्रशासन को सचेत कराना, उनसे बातचीत करना। मैडम स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के साथ। ये बताइए कि यहाँ जो जूनियर हाई स्कूल के बच्चे हैं इनकी पढ़ाई किस तरीके से चल रही है और क्या समस्याएँ आ रही हैं? देखिए किताबों की सबसे बड़ी समस्याएँ हैं हमारे सामने, और ये बच्चे जो हैं किताबों की वजह से विद्यालय में भी कम आने लगे कि हमारे पास किताब नहीं है, मैडम कहती हैं किताब लाओ, हम कहाँ से किताब लेके आएं। अब सरकार का सबसे पहला काम यह है कि जब देती हैं तो वे समय से सारा कार्य पूरा करें, क्योंकि बच्चे जो हैं उन्हीं किताबों के ऊपर निर्भर हैं। ये किताबें बाज़ार में भी नहीं मिलती, सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये बाज़ार में नहीं मिलती हैं, क्योंकि सरकारी जो सामान होता है वो बाज़ार में नहीं आ पाता। और ये बच्चों का डीपीटी का जो कार्य है अध्यापक जो है कर रहे हैं, ये समय से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। डीपीटी यानी कि जो बच्चों को पैसा मिलता है, ये समय से नहीं आ पा रहा है पैसा। अब मान लिया अध्यापक 10 बच्चों का नाम चढ़ा रही हैं, उसमें 2 बच्चे ही दिखा रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सरकार जैसे पहले ग्रामोद्योग के द्वारा या किसी के द्वारा या अपने टेंडर के द्वारा जैसे भी है विद्यालय में पहुँचा दे बच्चों की ड्रेसें, वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा हमसे बात करने के लिए। ये स्कूल की वाइस प्रिंसिपल थी जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो किताबों की वजह से अधूरी पड़ रही है, कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अगर बच्चों के पास पर्याप्त मात्रा में समय से किताबें रहेंगी तो उनका भविष्य अच्छा बन सकता है, उज्ज्वल जो भविष्य है भारत का वो आगे बढ़ सकता है। रही बात बच्चों की डीपीटी की, बच्चों के अकाउंट में डीपीटी के अगर पैसे आते हैं तो उसके लिए ड्रेस जूता ये सब समय से अवेलेबल हो सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार को जितने भी स्कूल्स हैं उन सब पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए सभी बच्चों की ओर देखना चाहिए, समय से किताबें और ड्रेस उपलब्ध करानी चाहिए अब, क्योंकि यही वे बच्चे हैं जो भारत का भविष्य हैं। भारत का भविष्य अब सरकार के हाथ में है। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।